शिवपुरी में कोतवाली थाना पुलिस ने पति पत्नी में सुलह कराकर हंसी खुशी घर के लिए रवाना किया। दरअसल संजय कुशवाहा और उसकी पत्नी का आपसी विवाद के चलते 3 साल से न्यायालय में मामला चल रहा था। इस बात की जानकारी जब थाना प्रभारी को लगी तो उन्होंने दोनों को थाने बुलाया, समझाइश दी, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहने को राजी हो गए। दोनों ने थाने में एक दूसरे को माला पहनाए और जिंदगी भर साथ देने का वादा किया। एक लड़की है सुषमा कुशवाहा, इसका भरण पोषण का केस चल रहा था न्यायालय में और माननीय न्यायालय ने उसमें 3000 रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण का इसके पति को बोला था। वो कुछ पैसा जमा भी नहीं कर पाए थे तो आपस में इनका राजीनामा हुआ था और माननीय न्यायालय ने भी कहा था कि आप लोग आपस में 10-12 दिन साथ में रह के देखो, अगर रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास ये आज सवेरे आई थी, बोले सर मेरे पति मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं, जबकि न्यायालय ने भी बोल दिया है। तो आज उसके पति को भी हमने बुलवाया था और दोनों पक्षों को आपस में बिठा के समझाया है और दोनों राजी खुशी से यहाँ से अपने साथ में रहने के लिए चले गए। लड़की झगड़ा दिए घर जाके जी, हमने 6 बार राइने में कर लिया, शादी भी आड़ी भाई में राइने में मेरे कोतवाली से आज हाँ। तुम जो ले जा रहा है अपनी पत्नी को, उसको सही रखोगे घर पे? सही रखूंगा मैं तो, क्या उसको कल कोई ऐसा ना अबू मेरी छोटी सी बात करे सर, इससे क्या होगा सर? वो करेगी अरे सर, मेरी कोई ना माने उनकी बात माने तो मैं क्या करूँगा सर?